खातिर हजरात जश्न क्रिकेट में आप सबको खुशामदीद। भाई वर्ल्ड कप 2022 आ चुका है T20 का, और जब तक ये चलता रहेगा मैं भी आपकी स्क्रीन पर यूं ही चलता रहूंगा, मेरे सेल खत्म नहीं होंगे। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और वर्ल्ड कप शुरू होते ही अपसेट्स का दौर चल पड़ा है। नमीबिया ने एशियन टाइगर श्रीलंका को अपसेट कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने खान साहब को अपसेट कर दिया, नमीबिया और स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को अपसेट कर दिया, मैंने बेगम को अपसेट कर दिया। अगर आज पूरे दिन कोई चीज़ सेट हुई है तो वो है FATF, जिसको पाकिस्तान ने एकदम सेट कर दिया। अब हम और FATF के दरमियान कोई ग्रे एरिया बाकी नहीं। दूसरी खबर ये आई है कि इंडिया ने पाकिस्तान आने से, जब उनसे कहा गया कि एशिया कप में पाकिस्तान आओ, तो उन्होंने कहा हम नहीं आएगा। इस पर पाकिस्तान ने पूछा क्यों नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोगों ने मशवरे दिए। कुछ लोगों ने कहा कि अगर इंडिया नहीं आ रहा तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। कुछ ने कहा कि भाई एक काम करें, पाकिस्तान को न्यूट्रल हो जाना चाहिए और न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहिए। मगर मैं ये कहता हूँ कि हमें अपने जो बुजुर्ग और वेटरन क्रिकेटर्स हैं उनको वहाँ भेज देना चाहिए। क्यों भाई, मेरा ख्याल है गुड आइडिया, अच्छा ये अच्छा अच्छा आइडिया। अच्छा, इंडिया वो वैसा दोस्त है जो पूरी प्लानिंग नहीं करता कि पिकनिक इस दिन होगी, ये देगे लेके जाएंगे, ऐसी गाड़ी में बैठ के जाएंगे और आखिरी दिन कहते हैं अब्बा ने इजाज़त नहीं दी। इंडिया वो दोस्त है जो दोस्त नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कह जाऊं कि मुझे शो से निकालना पड़े, इस बार मैंने तय किया है कि मैं अकेला शो से नहीं निकलूंगा। मैं अगर निकला तो मेरे साथ तीन और लोग भी होंगे, इनका इंट्रोडक्शन आपसे कराता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी क्रिकेटर, इन्होंने शोएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, सभी की पकड़ी हैं बॉलें, और आकिब जावेद की पकड़ी है। कभी डाइव मार के, कभी विकेट के करीब खड़े हो गए, कभी पीछे खड़े हो गए। पाकिस्तान के सबक कप्तान मर्द बोहरान मेरे साथ मौजूद, मुइन खान, तालियां बजाएं। इमाद वसीम बैठे हैं, मगर इंट्रोडक्शन पूरा दूंगा आपका। इमाद वसीम पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर हैं, पिछला वर्ल्ड कप खेला, इस वर्ल्ड कप में जाने वाले थे, मगर आखिरी वक्त पे इन्होंने कहा कि भाई मैं अगर चला गया जश्न क्रिकेट कौन करेगा। मेरी मोहब्बत में मेरे साथ मौजूद हैं मायानाज ऑलराउंडर और इंतहाई आदमी है हसीन, इमाद वसीम। थैंक यू इमाद भाई। तीसरे जो क्रिकेटर हैं, इंतहाई अजीम फास्ट बॉलर, प्रीमेच्योर छोड़ दी इन्होंने क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट छोड़ने के बाद लाहौर कलंदर्स ज्वाइन किया और दो बड़े बॉलर्स पैदा किए, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी। चाहे रंग बॉल का हो नीला, अच्छी बॉलिंग कराते हैं, चाहे बॉल का रंग हो लाल या सफ़ेद, मेरे साथ मौजूद हैं आकिब जावेद। अरे जावेद मैंने इसलिए बोला ताकि सफ़ेद पे बैठ सके, भाई नहीं मिल रहा था जावेद का कोई नेमुल बदल। अच्छा, क्रिकेट की बात हम बाद में करेंगे, वर्ल्ड कप शुरू होने में भी एक दिन जो है वो बाकी है, तो हम शुरू करेंगे पहले से ही 500 की दौड़, जो हमारा मशहूर गेम। अच्छा, 500 की दौड़ बताता चलूं कि आपसे सवालात इस तरह के पूछे जाएंगे, फॉर एग्जांपल कि कितने फीसद लोग समझते हैं कि बाबर आजम की क्रीज पे आते ही रन रेट कम हो जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या जवाब होगा, कितने परसेंट लोग समझते हैं? 1% 1% हाँ 1% हेलो, मैंने शुरू किया था, बाद में मिल गए थे लोग। चला अकेला चला था, कर्मा मंत्र चला गया। गेम समझ गए आप लोग, मैं इस तरह के सवाल पूछूंगा, आपने एक परसेंटेज बतानी है, फिर हम देखेंगे जो हमने सर्वे कराया है उस परसेंटेज से आप कितने करीब थे या कितने दूर। गेम का आगाज किया जाए। अच्छा, ये सवाल तीनों के लिए, तीनों ने, वैसे तो मुइन भाई और इमाद भाई आप रेगुलर कोचेज होंगे, जो भी यहाँ अजीम हस्ती बैठी होगी आप उसको मेंटोरिंग करेंगे कि भाई ये परसेंटेज तो ऊपर नीचे हो सकती है, आप लोगों की स्कोरिंग भी चलेगी कौन कितना अच्छा कोच और कितना। इमाद आपकी तो उम्र नहीं है कोच बनने की, मगर आप ट्राई कर लें, ट्राई कर, ठीक। शुरू करते हैं पहला गेम, पहला सवाल, कितने लोग समझते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, कितने परसेंट फीसद लोग समझते हैं कि जो उम्र है वो एक सिर्फ अदद है। स्टार्ट करें काउंटर। हाँ जी प्लीज। आकिब भाई आप मशवरा कर सकते हैं अपने दाएं और बाएं मौजूद फरिश्ते नुमा इंसान। जवाब किसने देना है इसमें, आकिब ने देना है, मैंने देना है? पहले तो आकिब भाई की तरफ हम कैमरा कर लें, फोकस कर लें, इनकी आंखों में झांकें, कितने फीसद लोग समझते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर? मेरा ख्याल कोई नहीं समझता, अगर समझते तो मलिक वर्ल्ड कप में जाता। बहुत अच्छी बात, गहरी बात, बहुत दूर का जवाब, दूसरे चैनल तक चली गई बात। क्या था कि मलिक, अच्छा कितने फीसद अगर आप उसमें डालेंगे नंबर्स में, इसको इफ यू पुट इट इन नंबर्स? देखिए मे बी 10-15%। बाकी लोग क्या समझते हैं कि उम्र क्या है? बस उम्र को लेके वो थोड़ा सा ये नहीं देखते कि जिस जो वो काम उससे लेना है, हाँ, उसके ऊपर फोकस करना है कि जो उसके उम्र गिननी है। उम्र ये जो सवाल है बेसिकली क्रिकेट से रिलेटेड है? नहीं, या जनरल जनरल आम आदमी से पूछा गया ये सारा सवाल कि उम्र लोग समझते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर, यार मैं अभी भी जवान हूं, वो तो सारे समझते हैं, व्हेन यू गेट 40 यू गेट नॉट वाली बात, 90% प्लस होंगे। हां खान साहब से पूछिए, वो तो नहीं, वो तो हां वो तो यही कहते हैं, वो तो 100% यही कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। तो मेरा ख्याल है कि कुछ 30% तो बनता है, 30%। मेरा ख्याल है कि जो शऊर रखते हैं, जो फिटनेस को मायने देते हैं, लाइक
अपनी जिंदगी में, जिन्होंने फिटनेस को अपना हिस्सा बनाया अपनी जिंदगी का, तो ऐसे जितनी भी परसेंटेज बनती है, मेरा ख्याल है कि अगर दुनिया में ऐसे तो कम लोग हैं, कम लोग हैं, बट पाकिस्तान में हम अभी अगर बात करें तो मेरा मैं गिन लेता हूं, मियां साहब हो गए, मियां साहब, फवाद चौधरी, ये लोग 15-20% होंगे ताबिश, मेरा 15-20% जो ये समझते हैं कि एज जो है वो एक बस नंबर है। जावेद भाई कह रहे हैं 30%, आप कह रहे हैं 15%, ये सिर्फ जो है ना दुनिया की बात हो रही है, नॉट पाकिस्तान। आप ऐसा है कि मैं मशवरा आपने देना है, आप 25% कह रहे हैं, इनको मशवरा दे रहे हैं, आप 20% कह रहे हैं, आप ज्यादा दूर भी नहीं है आप मशवरे से, नहीं 30 है बाकी बड़े बड़े फिट कॉम देखे, आपको हमारा पता नहीं, यहाँ हर कोई तो जवान मना घूम रहे हैं, काउंटर चलाएं भाई, 30% पे लॉक करें जावेद भाई को, आखिर जावेद को, मुइन भाई को लॉक करें 20 पे, और इमाद को 25% पे रोक दें। आगे ऊपर नीचे और लॉक कर दिया, आप काउंटर चल रहा है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को, आपकी स्क्रीन यहां लगी हुई है, ओके, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे, अच्छा ये टाइम पास करने की हरकतें होती है ऊपर, जबकि जवाब पता है पीछे वाले को, लेकिन ऊपर नीचे करता रहता है, कंटेंट भी तो निकालना है। आ गया 66% लोग ये समझते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, 66 लोग, हाँ तभी तो आप मोइन भाई देखते हैं ना, आप देखते हैं ना 80 साल के बुजुर्ग ने शादी कर ली, कम उम्र खातून से, वो समझ रहे एज इज जस्ट अ नंबर, बस एक आधी रोड पे, मैं इसीलिए तो पूछा था आप किस पर्टिकुलर गेम की बात कर रहे हैं, नहीं मैंने आपसे इसीलिए पूछा, आप स्पोर्ट्स की बात करें या किसी खास पर्टिकुलर गेम की बात, कब का था ये काम, अभी 2 घंटे मोइन भाई ये मैंने, हां ये चंद्रीगढ़ रोड वो चाय लेने जा रहा था, मैंने कहा रास्ते रास्ते पे आके, अरे अगले सवाल की तरफ बढ़े जी मुन भाई, वैसे मैंने क्लियर किया था कि जनरल आवाम से पूछा है, आप एकदम पॉलिटिशियन हो गए एकदम बीच में, मैं तो कह रहा था आप नंबर, बात ये है कि अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं नेचुरली तो मैं सोचूंगा ना कि आप एज जो है वो जस्ट अ नंबर है, चलिए या किसी भी काम के लिए पूछा था, आई थिंक स्पोर्ट्स में तो फिर आपने शादी का हवाला दे दिया, 80 साल के बाबे ने शादी कर ली है, कर ली है, पूछा था आपसे कि मुझे पता लग जाए क्लियरली, ताकि फिर उस हिसाब से मैं जवाब, उस हिसाब से आप शादी की शाम को 8 बजे के बाद अकेले नहीं देख सकते, बेटी साथ आपकी, आके भाई आपके 64 नंबर हो चुके हैं, ओके 64 नंबर आपके हो चुके हैं, क्योंकि आपने 30% का रिजल्ट था 66, जो डिफरेंस हुआ वो 100 में से माइनस किया, तो आप स्कूल कॉलेज में नहीं आए थे, देखिए क्या क्या ये जियो की वो देखिए मेहरबानी, बंदा नंबर ले जाता है। अगला सवाल, कितने परसेंट लोगों का ये मानना है कि चुड़ैल को देख कर कपड़े उतार दिए जाए तो वो भाग जाती है, एक मिथ मशहूर है ना यार, तो भाग जाती है, ये भी कुछ कभी चुड़ैल से सामना हो, मेरा ख्याल है उसके लिए बंदा वैसा होना चाहिए जो चुड़ैल भगा सके, है ना, ये भी मुझे कोई किस्सा याद आ रहा है लगता है आपको, नहीं मैं तो चुड़ैल भगाई भी, मैं बोल रहा हूँ बंदा भी वैसे होना चाहिए ना, कोई अट्रैक्टिव अच्छी बॉडी हुई, हां बिल्कुल, सिक्स पैक हुए पता चला रुकी गई चुड़ैल, जिसको देख के चुड़ैल भागे, मेरा ख्याल है ये भी जो हमारी मेथ है उस पे 40 40 45, आपको लग रहा है 45% लोगों को ये लगता है पाकिस्तान में कि चुड़ैल देखो तो मतलब कपड़ा उतार दो तो भाग जाएगी, इनसे इमाद से पूछ के देखें ये बात, आके भाई कह रहे हैं 40 कैसे भगाई, मुझे तो पता गुड भाई वाच वाच 100% कभी चुड़ैल सामना आमना सामना को जिन भूत का किस्सा कुछ ऐसी चीज कभी आई हो सामने, नहीं कभी, कभी नहीं, कभी कभी बहुत लेट घर जाओ ना तो नजर आ जाती है, मैं समझ सकता हूँ आप कहाँ पहुंच रहे हैं, ये फीलिंग की बात कर रहे हैं, फीलिंग की बात कर रहे हैं, तो कितने लोग मुइन भाई कितने लोग परसेंट लोग कपड़े चुड़ैल को देकर ये मिथ को सही समझते होंगे, पाकिस्तानी लोग ये समझते हैं, आके भाई आपने 45% का, और इमाद आप मेरे ख्याल से कुछ इस मामले में 50% का 50% आप कह रहे कि आप इन सबसे ज्यादा इस बात पे बिलीव करते हैं कपड़े उतार देने चाहिए चुड़ैल को, नहीं मैं बिलीव नहीं करता, कितने लोग बिलीव करते हैं वो, कितने लोग बिलीव करते हैं, आपको ये यकीन है कि पाकिस्तान उस परसेंटेज में मैं भी नहीं आता, आप भी नहीं करेंगे, हम चारों नहीं आते, नहीं आते हम चारों नहीं आते, मैं तो नहीं उतारूंगा भाई, मैं मजबूत रहूंगा, रिजल्ट देखते हैं, लॉक कर दें 40% मुइन भाई, 45% नाकिब भाई, और बीच में रोक दें, अरे 50 पे रोको ना इमाद को यार,
हाँ हाँ रुक, अब पब्लिक का जवाब देखेंगे, फिर ऊपर नीचे शुरू हो गया ये काम। मुझे लगता है कि इतने लोग नहीं समझते होंगे ये, मतलब हमारे एक शरीफ कौम है, ऐसे थोड़ी हर जगह 10 के नीचे होगा ये। अच्छा हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसे में जवाब भी पता है ना। 8% आठ परसेंट लोग यार, आप क्या समझ रखा है पाकिस्तान को यार? नहीं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितने गांव देहात हैं सब यही समझते हैं, शहरों में नहीं समझते। सर्वे शहरों में सर्वे नहीं, गलत जगह सर्वे हुआ है मेरा ख्याल है। शहरों में लोगों का मानना है चुड़ैल देख के नहीं, आवाम की तो वैसे ही हुकूमत या पॉलिटिशियन ने कि डिफेंस कराची, डिफेंस लाहौर, बहरिया, महंगे इलाकों के नाम लोग क्या सोचते। नहीं नहीं, बड़ा मुस्तनद सर्वे, ऐसा हल्का काम नहीं हुआ हुआ भाई। अच्छा, हल्का चाय के होटल पे किया है सर्वे, वहां पे हर कस्टमर बैठा होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। हाँ जी प्लीज। अगला सवाल थोड़ा सा ऐसा है, कपड़े पहनने वाला सवाल। कितने परसेंट लोग ये समझते हैं कि बीवी सूंघ के बता देती है कि मियां कहां से आ रहे हैं? सूंघ कितने फोन करके बता देती। अच्छा, ये आपका सर्वे कहां हुआ है? आपका सर्वे फिर ये डिफेंस में हुआ है या चाय के होटल वाला? ये हमने ये घरों पे हुआ है, घरों पे हुआ। ये सर्वे तो घरों पे ही हुआ है, ये हमने काफी, ये वाकई में मुस्तनद सर्वे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा वो नाके भी बता देते। मरहूम उमर भाई याद आ गए, इस बात पे कहा करते थे कि उनको पुलिस। अच्छा, एक ना एक किस्सा भी है ना। हाँ, आता हो वो एक फोन आया, किधर हो? मैं इधर जा रहा हूँ, गाड़ी में जा रहा हूँ। उनके हॉर्न बजा के दिखा। वो मुहिम भाई का बड़ा, उमर शरीफ साहब का बड़ा मशहूर किस्सा, पुलिस ने रोका उनको कि उनको बोला मुंह सुगाओ, तो उमर साहब ने कहा कि तुम सुंगाओ पहले, तो उन्होंने कहा जाओ। तो इमाद आपसे शुरू करेंगे, कितने हैं आपकी तो माशाल्लाह इतनी पुरानी शादी भी नहीं है, तो एक्सपीरियंस लोग बैठे, तो आपको ऐसा लगता है बेगमात सूंघ के बता देती हैं कहां से? नहीं, आई थिंक ऐसा बहुत कम ही होता होगा, 10% 10%। जावेद भाई आपकी तो माशाल्लाह आके भाई पुरानी कदीमी शादी, पुरानी में ज्यादा नंबर बनते हैं। हां, 30% 30% जो है पुरानी बीवियां सूंघ के बता देती हैं। मुइन भाई आपका तो सुना भी है। नहीं, तो मेरा ख्याल है सोने की जरूरत नहीं है, सोने की जरूरत नहीं, जाते ही नहीं है। नंबर तो देना पड़ेगा। नंबर मेरा ख्याल है कि मोर देन 50%। मोर देन नहीं बताएंगे, 60% पे लॉक करें मुइन भाई को, 30% आकिब भाई, और 10% पे रोक दिया इमाद को, रोके 60%। इससे अंदाजा हो रहा है कि किसकी कितनी पुरानी शादी है, 60, 30 और 10। भाई काउंटर चले, तो सिर्फ मर्दों से पूछा या औरतों से भी? खवातीन से तो क्यों पूछेंगे कि सूंघ के बता देती हैं? खवातीन से नहीं, पता ही लग जाता कि कैसे पता लगाती है। आवाम का जवाब देखना भाई, आवाम का जवाब, कितनी औरतें सूंघने पे लगी हुई हैं? जल्दी 78% खवातीन, जिन्हों कस्टम में होना चाहिए खवातीन को। कौन कहां से आया? लैब्राडोर ऐसे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उनकी बड़ी स्टेट। मुइन भाई, अच्छा हां, मुइन भाई माशाल्लाह से बहुत करीब था आपका, मतलब लग रहा था कि एक एक्सपीरियंस्ड है अब अंदाज, इसको पता है कि यार वो पता है, इनको भी बता नहीं रही है। कितना हो गया आके भाई का स्कोर? कितना हो बताइए भाई? 179 स्कोर हो गया आके भाई, टोटल आपका जो बैटिंग करियर में स्कोर था उससे 3-4 रन। ठीक है, चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चौथे सवाल से पहले ब्रेक का टाइम हो रहा है शायद भाई, ब्रेक का टाइम हो रहा है, चलेंगे चलेंगे लगता है ब्रेक। ठीक है, लोगों को मजा आ रहा है, ब्रेक ना लो, इश्तेहार नहीं आ रहा। ओके गुड। कितने परसेंट, अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने परसेंट लोग जलेबी दूध के साथ खाना पसंद करते हैं? ये तो एक लॉजिकल सवाल है, इस तरह तो होता है कि कितने परसेंट लोग जलेबी दूध के साथ खाना पसंद करते हैं? आकिब भाई, 80-70% लोग। मुइन भाई, लड़का कहाँ पहुंच रहा है? जिस जगह से इनका ताल्लुक है बिल्कुल 100 ही बनता है, 100 बनता है वैसे। दूध जलेबी का शौक है इनका ताल्लुक जहाँ से। मुइन भाई, आपके समय कराची में शायद इस तरह का शौक नहीं रखते लोग, जलेबी है थोड़ा बहुत शौक है मेरा ख्याल है। अगेन आई वुड से 50% 50% आके भाई आपने कहा 70%। अपने जगह देखिए, आप अपने माहौल की बात है, तुमने कराची में पैदा हुए, मैं गाँव में पैदा हुआ। ये सवाल ये कि इनका सर्वे कहाँ पे था, कराची पे था या आउटसाइड? इनका सारा जो है ना ये इधर
इस एरिया अच्छा मेरे सर्वे चार की चार सड़कों का मेरे सर्वे की सेंटिटी को बरकरार रखें प्लीज, मेरे सर्वे को दोगुना करें बदनाम। अब मैं कराची हाइट्स बांध के जवाब दूंगा कि नहीं हमने 70 दे दिया, आपको बार बार ही चेंज हो रही है। नहीं अगर यहाँ का है तो फिर तो इमाद आप बताएं 25% 25 अगर सर्वे जलेबी अफगान जलेबी हो तो 100% ठीक है। आपने 75% का 75 वहाँ तो लोग दूध में खुद ही बैठ जाते हैं। चलो भाई चलो जल्दी करो जल्दी करो, ऊपर नीचे करो इसको। जल्दी कर दो यार, जलेबियां नरम हो रही हैं यार। 82% लोगों की जलेबियां दूध में डूबी हुई हैं। अब ये गैप डेप्थ में ये बहुत रुला है थोड़ा। नहीं ये सर्वे बड़ा सर्वे ये कहीं इसने कुछ माइल्स जो है ना तय किए। मसला आखिर भाई 267 स्कोर है। हाँ। आपके बेस्ट फ्रेंड वसीम भाई का 257, उसकी 3-4 दिन पहले एनिवर्सरी थी, बेस्ट स्कोर था आपका 267 हो चुका है, 10 नंबर आप आगे निकल गए। याद आते हैं आपका वसीम भाई? बहुत याद आते उनको भी याद। अच्छा वसीम आप जलेबी से याद आया, आपने माशाल्लाह बड़े खाने खाए हैं, बल्कि आपने तो बड़े बड़े हुक्मरानों के निवाले छीन लिए मैंने सुना है। आकिब भाई देसी मुर्गी आपको ही पसंद है वो बात है। आप तो खान का पकवान खा गए यार। उनने का खाना खिला तो मैं ये सुनाए ये बात भैया आता हो फिर से आता हो, बहुत वायरल भी हुआ है लेकिन आता हो। ये किस्सा ग्रीन है, एवरग्रीन। ये सिंपल सा है, खान साहब खाने से बहुत प्यार करते हैं लेकिन हम भी भूख लगी हो तो खा लेते हैं। सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि तो मैं और आतिफ राना गए थे, उन्होंने बुलाया था हमें, तो उन्होंने कहा कि तुम आए हो हेड पीटीआई के हेडक्वार्टर, आके तुझे गोश्त खिलाता हूँ। वाह वाह। अब हम ऐसे चले गए जाके, खान साहब ऐसे बैठे हुए थे सामने टेबल में, दो डोंगे आए, एक में देसी मुर्गी रोस्ट और एक में मटन रोस्ट। वाह। अब ऐसे मैं खड़ा हूँ, साथ आतिफ राना खड़ा है। उन्होंने अब प्लेट में अपनी में एक बड़ी सारी रोटी डाली देसी मुर्गी की वैसे खाने, तो मैंने भी ऐसे उठाई, मैंने भी प्लेट में डाली, थोड़ा सा हल्का सा मेरी तरफ देखा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि खाना है कि नहीं खाना। अच्छा उसके बाद चलो मैंने तो उठा ली। अब जो है आतिफ राना साहब उनका भी हाथ जो है ना ऐसे पड़ा, और रास्ते में था कहाँ से सारी देसी मुर्गी अपनी प्लेट में बेचारे। तो फिर मटन ही बच रहा था। दिनों रात वैसे आज खान साहब के साथ देखिए थोड़ा अपसेट हुए, उनकी ज्यादा और अपसेट नहीं करेंगे, एक ब्रेक ले। नहीं अपसेट नहीं, 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 खाने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं मैं खाने का शौक है, खाना सही और स्पेशली देसी मुर्गी का बहुत शौक। खाना तोशा खाना ये सब छोड़ दिन रात ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आइए, जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जा रहा। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट, मेरे साथ मौजूद मुईन खान, आकिब जावेद और इमाद वसीम। भाई पांचवा सवाल आने वाला है आपकी तरफ, पांचवा सवाल। अच्छा बहुत 267 पे आप नॉट आउट चल रहे हैं आकिब भाई, 267 है आपका स्कोर, इसको आपने 300 तक लेके जाना है आज मिनिमम। आखिरी सवाल आपके साथ मौजूद, इंपॉर्टेंट सवाल है, मुल्क की तारीख में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। पाकिस्तान में कितने लोग खलाई मखलूक पर यकीन रखते हैं, कितने फीसद? ईमान ज्यादा रखते हैं, ईमान ज्यादा रखते हैं, यकीन कम रखते हैं। 80% लोग खलाई मखलूक पर यकीन रखते हैं। इमाद 85-80%। आपने कभी खलाई मखलूक देखी? नहीं देखी नहीं, कभी नहीं देखी, फिल्मों में देखी। हो सकता है देखी हो, दूसरे रूप में आप पहचान ही ना पाए हो, ये भी तो होता है, वो गेटअप चेंज कर लेते हैं। मुईन भाई खलाई मखलूक पे यकीन रखते हैं? यकीन मोहकम, यकीन मोहकम रखते हैं आप। कितने लोग रखते होंगे? पहले नहीं रखते थे, मेरे ख्याल है 80% रखते हैं। अब यकीन पुख्ता होता चला जा रहा है जादू के बाद, जादू के बाद 80% इमाद 80% भाई तीनों का यूनैनिमस फैसला है कि 80% लोग खलाई मखलूक पे यकीन रखते हैं। और जावेद भाई ने कहा कि आकिब भाई ने कहा कि कुछ लोग यकीन रखते हैं बाकी लोग ईमान रखते हैं। देखते हैं क्या होता है, ये अभी ऊपर नीचे जा रही, खुद भी कांप रहा है, मीटर भी कांप रहा है, सर मीटर भी यकीन रखता है। ये शो जियो पे आ रहा है, रोक देगा? नहीं जियो पे आ रहा है, 50 से ऊपर नहीं होगा, नहीं तो रोक देगा।
नहीं इतना नहीं ऊपर उठाते, ठीक है 50% स्कोर जो है आके भाई आपका मेरे ख्याल से 32-337 स्कोर हो गया। ट्रिपल सेंचुरी मुबारक हो आके भाई, बहुत भाई क्या कमाल कर दिया आपने यार, 337 उनका मैच कर दिया, तोड़ा नहीं रिकॉर्ड, एहतराम में आपने मार्क टेलर की तरह बैट रख दिया, वेरी गुड। इतने वैसे मैं रन गिन नहीं सकता उन्होंने बनाए थे 367 आके भाई कह रहे उनके स्कोर सारे मैच मिला के 3 रन आके भाई कह रहे उनके स्कोर की इंस्टॉलमेंट करा दो। मुइन भाई, इमाद भाई और आकिब भाई, अगला सेगमेंट जो है वो आप तीनों को पसंद आएगा, लेकिन मैं इससे पहले कि मैं सेगमेंट की तरफ बढ़ूं, मैं आप लोगों को इसके फाइनल स्कोर्स बता दूं। इस वक्त आकिब भाई जो हैं वो मौजूद हैं 367 पे, और मुइन भाई और आप और इमाद जो हैं वो तो पूरे टूर्नामेंट हमारे साथ होंगे, मेंटोरिंग कर रहे होंगे, तो आप लोगों का स्कोर भी चलता रहेगा साथ साथ। आज जो आपका स्कोर है, मुइन भाई का स्कोर दिखाइए भाई, क्या है मुइन भाई का स्कोर, मुइन भाई का स्कोर क्या है? 342 मुइन भाई आप इनसे आगे, अच्छा आप आगे 342। इमाद आप गए 262, कहाँ रह गए हैं आप इमाद? सीनियर्स भी तो हैं, सीनियर्स भी तो हैं, सेट होके खेलेगा ना थोड़ा सा पूरा मौका मिलेगा, पूरे टूर्नामेंट आप इनके अगेंस्ट खेल रहे हैं। अच्छा मुइन भाई, आप अगर इमाद के अगेंस्ट कीपिंग कर रहे होते, आप विकेट कीपर थे, इनकी पढ़ के बहुत आम बॉल बहुत अच्छी करते हैं, तो वो इनके खिलाफ आपको लगता है कि आज देखते हैं इनको कि विकेट कीपिंग आसान होती है मुश्किल होती है? सकलेन मुश्ताक को आपने कीप किया है, मुश्ताक अहमद को आपने कीप किया है, डिफिकल्टी लेवल कितनी है? तो बहुत ही आसान है कीपिंग करना, इनकी बॉल पीछे नहीं आती, इनके विकेटों में फिनिश होती है। आप खड़े रहते हैं ना यूं करके भाई, आपका और बैट्समैन का मामला है, मुझे नहीं छेड़ने करके छोड़ दे। जितने बड़े कीपर ये थे, अगर थोड़ा 19-20 भी होता इजी हो जाता। वाह वाह, लड़का देख रहे, तरबियत होती है ये मुंबई। अगला गेम, ये गेम जो है आप तीनों को पसंद आएगा, इस गेम का नाम है क्विकी। हमें जल्दी जल्दी जवाब देने और सिर्फ यस और नो, क्विकी। ओके क्विकी, तो वो क्विकी क्विकी मुंबई बस यार मैं पूछ रहा हूँ, तो ऐसा ही क्विकी, लोग गलत मतलब ले जाते हैं, गलत मतलब ले रहा, आप कहेंगे तो कंफर्म किया आपसे, नहीं जानबूझ के वजन डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्विकी आप क्विकी को डिले कर रहे हैं, क्विकी है ना भाई, क्विकी है ठीक है मुइन भाई, क्विकी में करना ये है कि सिर्फ यस और नो में जवाब देने, जब तक मैं एक्सप्लेनेशन ना मांगू नहीं देनी, सिर्फ यस और नो में, ठीक है? मुश्किल है थोड़े सवाल, मुइन भाई आपसे स्टार्ट करें प्लीज, क्विकी जी, क्विकी ठीक है। पहला सवाल मुइन भाई, मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेस्ट विकेट कीपर हूं, यस और नो? नो नो नो। तो कौन है फिर? आप तो नहीं है, मैं हो सकता हूँ, मैंने आप ही, आप कह रहे हैं, मैं अपने बारे में पूछ रहे हैं आप यार, ये आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, मुंह मेरा है, अल्फाज आपके, ठीक है? अच्छा आप समझ गए, आप क्लियर हो गया जी, हाँ जी। मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेस्ट विकेट कीपर हूँ, यस और नो? नो नो। कौन है फिर? मुझे पसंद है राशिद लतीफ, राशिद लतीफ। ये तो जिस तरह वसीम वकार भाई की आपस में हम सुनते थे कि राइवलरी, क्या आप दोनों की थी कभी राइवलरी? ऑफ कोर्स हेल्दी कंपटीशन होते हैं, जब आप प्रोफेशनल होते हैं, यू नो, आप एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं मेहनत करके, और वही कोशिश हम दोनों करते थे। जब राशिद खेलते थे, उनकी ख्वाहिश होती थी, कोशिश होती थी कि टीम में जमा रहूँ पाकिस्तान का, अल्टीमेटली पाकिस्तान को फायदा होता इस कॉम्पिटिशन का। अच्छा, आप में से स्लेजिंग सबसे ज़्यादा कौन अच्छी करता है, राशिद भाई या आप? मुझे लगता है आप। राशिद का तो पता नहीं, जब मैं जब भी करता था, मैं माइक पे पैर रख लेता था। ठीक है, अगला सवाल मुइन भाई, यस और नो में जवाब देना है, कसीनो जाके एहसास हुआ कि क्रिकेट में पैसा कम है? मेरा ख्याल है, यस और नो कहना है, ये मेरा ख्याल है। हाँ, कहाँ गए थे तुम? क्रिकेट में बहुत ज्यादा पैसा है। यस कह रहे हैं आप, ठीक है। क्या कह रहे हैं आप? कहाँ गए थे? कौन कहाँ नहीं, कौन से वाले गए थे? अच्छा भाई, आप इनकी फॉर्म देखें, आई एम नॉट सेइंग के ये सिर्फ अच्छे हैं, इन्होंने प्रूव किया, अभी कैरेबियन लीग खेल के हैं, टॉप बेहतरीन टेकर थे, तो सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस आपकी जो है वो बोलती है और आपको सिलेक्ट कराती है, और अभी 22 दिन साथ भी गुजारने। अच्छा अच्छा, इमाद के बारे में सवाल उठता था, इमाद उस तरह बैठे थे जिस तरह वो दूल्हा रिश्ते के लिए नहीं जाता, क्या कहेंगे। अच्छा चिली, मैं इमरान खान का टाइगर हूँ,
यस और नो? नो। ठीक है, तो कोई और जानवर सोच रखा है? सलीम यूसुफ। सलीम यूसुफ। मुश्ताक अहमद का नाम मुशी मैंने रखा। मुशी स्क्रीन पे मैंने कहना शुरू किया था। यस। अच्छा, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा खेला मुइन भाई आपने, बड़े ऑनेस्ट रहे आप। इमाद, आपकी तरफ बढ़ेंगे। टीम में रहने के लिए कैप्टन का कुर्ब होना जरूरी है, यस और नो? नो। तभी बाहर ही है। मेरी हरकतें उन्होंने कहा कि ये तरीका ठीक है नहीं, ख्वाहिश नहीं पूछती। अच्छा, टीम में रहने के लिए कैप्टन का कुर्ब होना जरूरी है, आपने कहा नहीं। दूसरा सवाल, मेरी हरकतें ऐसी हैं कि बीवी को कभी कभी मुझ पे शक होता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हरकतें ऐसी नहीं है या शक? आप भी उसने की, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल शक नहीं होता। नहीं, या आपको बताती नहीं होंगी, दिल में रख लिया तो? वो तो उन्हीं से पूछ ले। सिलेक्शन के मामले में मेरे साथ ज्यादती हुई, यस और नो? यस। बोलो जोर से, बोलो यस, बिल्कुल बोलो यस। ये तो हम ये देखिए, इन्होंने कहा है तो मैंने यस कहा है, मैंने स्ट्रेट अवे नहीं कहा। अब सीनियर की बात कौन डाल सकता है? डाल सकते कौन डाल सकता है? खावतीन आजाद ने सिर्फ सीनियर्स का दिल रखा है, वरना ये मुत्तफिक थे। यार ऐसा तो नहीं होगा ना। अगला सवाल है, मुश्किल सवाल है। बाबर आजम की बस शक्ल ही मासूम है, यस और नो? आवाम देख रही है, शक्ल मासूम है ये कह बाबर आजम की बस, बस पे ध्यान है, अंडरलाइन हुआ, शक्ल ही मासूम है। यस। थिंकर तो है ना, बहुत अच्छा तेरा इंदर ही बनता। अच्छा, ये आजकल के क्रिकेटर्स लीग क्रिकेट को इंटरनेशनल से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यस और नो? नो नो नो। जब मौका मिले तभी खेलते हैं और नहीं, एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले फॉर देयर कंट्री, सारे खेलना चाहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं हुई तो कहीं और अपॉर्चुनिटी है, तो आपको क्रिकेट तो खेलनी ही पड़ेगी। ऑफ कोर्स, नो, देयर इज नो हार्म इन दैट। आके भाई आपसे अगर गुजारिश इजाजत हो तो मैं आपसे भी शरारत कर सकूं? आपसे तो आप तो डर लगता है। नहीं, शरारत तो कर दी, अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो जाए, मैं बैकअप में भी नहीं हूँ अब। अच्छा, खुदा ना खास्ता था, हल्के से बोला। खुदा ना खास्ता नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे यार। चलो ऑस्ट्रेलिया नहीं तो तुझे फिजी में जाकर थोड़ी देर रख, दो घंटे की फ्लाइट, खुद ही जाके बैठ जाए ना फिजी, मैं इधर ही हूँ। चले जी, वायरल जवाब करें, वायरल जवाब, वायरल, मिस्टर वायरल के पास पहुंचेंगे। आखिर में जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी, क्विकी है ये, यस और नो ओनली। पाकिस्तान की इस वक्त पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप वर्ल्ड कप खेल रही है, यस और नो? यस यस, वेरी गुड। वसीम वकार मेरा क्रिकेट कैरियर खा गए? नहीं नहीं। क्या खा गए वो लोग? मैं खुद खा गया। I was expecting सबसे ज्यादा कसूर है तो मेरा ही, मेरा, मैं हूँ वो, रियलिस्टिक इंसान है बहुत। आगे भाई बहुत ऑनेस्ट आदमी। वसीम वकार मेरा क्रिकेट करियर खा गया, आपने कहा नहीं, मैं खुद खा गया। बाबर रिजवान को ही ओपनर रहना चाहिए, यस और नो? नो नो। किसको रहना चाहिए फिर? फखर और विकेट कीपर रिजवान, रिजवान। तीन पे आएगा आपका शान, चार पे आएगा बाबर। क्यों कह रहा हूँ कि इन पिचेस के ऊपर नहीं रन बन रहे, तो जो मिडिल ऑर्डर में आके आपने गेम को लंबा ले जाना है, 150 तो रन बनाने हैं, तो आप क्यों ऊपर रिस्क लो? दो ऊपर से आउट हुए तो 150 भी नहीं होंगे। बहुत सही है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, हमने ले लिया, आवाम ने भी सुन लिया। अब वो मीम में बताएंगे कि उनको पसंद आया कि नहीं। पसंद आया, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग देख के गुस्सा आ जाता है? कभी नहीं, कभी भी नहीं आता। नेवर। लोगों को असर गुस्सा आ जाता है आपका बयान सुन? दो पार्टी गुस्सा कर सकती है ना, मैंने उनको उनके ऊपर छोड़ा। ठीक है, पाकिस्तान टीम में खेल के अंदाजा हुआ कि हमारे सियासतदान को सियासत आती ही नहीं है। खेल के पाकिस्तानी टीम में हाँ, कि अंदाजा हुआ कि इन बच्चों को कहां सियासत आती है? इंटेलेक्चुअल सवाल है थोड़ा सा। यस, आप सोचें, आप सोचें और गहरा लें, ब्रेक ले रहे हैं। इतनी काफी है। यस, ये खान साहब ने उनको बताया है। बताया है कि हमें जाना है। फिर खान साहब के ऊपर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आइए, जश्न क्रिकेट यही है ना हुआ तो। आजाद, वेलकम टू जश्न क्रिकेट, मेरे साथ मौजूद मुइन खान, आकिब जावेद, इमाद वसीम।
अब ऐसा ही शो बेसिकली क्रिकेट के ऊपर बनाया गया है ये। अच्छा, याद दिलाता चलूं। तो अब क्रिकेट से रिलेटेड कुछ सवाल हो जाए मार आपसे पूछूंगा। क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है ऑस्ट्रेलिया, माशाल्लाह से स्पॉट, लड़के खूबसूरत लग रहे हैं, कुछ और लगे ना लगे, किस हद तक मुतमईन है क्रिकेट टीम से? आई थिंक जो भी स्क्वाड सेलेक्ट हो चुका है अब हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और वर्ल्ड कप खेलने गए इंशाल्लाह, कोशिश यही होनी चाहिए उनकी कि जीते वर्ल्ड। 2009 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है या वैसे ही लग रही है या उससे हल्की लग रही है? देखिए वो डिपेंड करता है, वर्ल्ड कप जब होगा तो उसके बाद ही बता सकेंगे। ठीक है, आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं क्या? बॉलिंग में 90% क्योंकि इस टीम के अंदर फहीम अशरफ को होना चाहिए था, एक जेन्युइन ऑलराउंडर टीम। ठीक है, और बैटिंग में 40% मुतमैन हूँ क्योंकि उसमें चार लोग खेलने वाले, बाकी तो जरूर T20 में ओवर ही कितने हैं, चार से काम चल जाएगा शायद। हाँ, लेकिन वो आते हैं फील्डिंग भी वैसे ही करते हैं ना, फील्डिंग एक ही काम बंदा ढंग से कर ले। बेगम के बाद आकिब भाई को खुश रखना नामुमकिन सा लग रहा है। बिल्कुल। मुइन भाई आप कितना सेटिस्फाइड है? वेल, जैसे इमाद ने बोला, जब टीम बन जाती है नॉर्मली मेरा भी स्टाइल है बैक करने का, जब या तो टीम सेलेक्ट नहीं हुई होती फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। अब टीम सेलेक्ट हो चुकी है तो गलती वर्ल्ड कप के लिए हो जाती है ना। बट मैं आपको ये बता दूं, मैं इतना ज़्यादा मुतमईन इसलिए नहीं हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, तो इनके लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किस्मत का भी मैं समझता हूँ कि यह अमल दखल होगा पाकिस्तान टीम के साथ, अदरवाइज जो स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉम्बिनेशन बनाए और जो रद्दोबदल कर रहे हैं, किसी को नंबर चेंज कर रहे हैं, यू नो, तो वो एक्सपेरिमेंटेशन और आउट ऑफ द बॉक्स जो एग्रेसिव कैप्टेंसी होती है वो मैंने देखी नहीं है बाबर की। तो वो अगर ऐसे डिसीजन या टाइमली आपको एग्रेसिव अप्रोच दिखानी होगी तो वो नहीं दिखाए तो आजकल T20 में कोई भी टीम आपको छोड़ती नहीं है। अच्छा, खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा इंजर्ड हो जाए करंट टीम में तो आप कौन से एक प्लेयर को भेजेंगे वहाँ पर? डिपेंड करता है कौन अनफिट हुआ है, बैट्समैन में जैसे मेरा ख्याल है कि बैटिंग ऑलराउंडर मैं समझता हूँ, जो भी आकिब ने एक बात की है अशरफ की, फहीम अशरफ की, फहीम अशरफ इज अ गुड वेरी गुड बैटर। एक और ऑलराउंडर भी है पाकिस्तान में, टॉप 10 में आता है वनडे की क्रिकेट में, सूरत। थैंक यू। अगर स्पिनर बॉलर मेरा ख्याल है जाता है तो सबसे पहले फिर इमाद, हम छोड़ने जाएंगे एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे हम, लेकिन वीजा लगवा ले वहां से, टाइम भी लग जाएगा। अच्छा, अब टाइम प्रेडिक्शंस का टाइम आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इस बार प्रेडिक्शन है हमारी, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये बक्सा पड़ा हुआ चंदे का डिब्बा, इसके ऊपर लिखा है मैट फंड। हम आप लोगों से प्रेडिक्शंस लेंगे, अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हो गई तो मैं इसमें ₹1000 डालूंगा, और अगर आपकी गलत हो गई आप में से किसी की भी तो वो इसमें ₹1000 डालेगा रोज की बेसिस पे। इसका करेंगे क्या हम, इसका इलाज कराएंगे अपना? पहले पहले भी बड़े फंड दिए गए। नहीं नहीं, ये मैट फंड है, डैम फंड तो नहीं है ना? क्या आप शीशे में तो नहीं देख रहे? डैम फंड तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, इधर से लेकिन आपने डैम फंड बोला था अभी। नहीं मैंने नहीं बोला, मैंने ये अपने वाला फंड है, पहले जितने भी फंड। मैं इसमें शुरुआत करता हूँ गल्ले की और फिर मैं बढ़ूंगा बाकी लोगों की तरफ कि इसमें ओपनिंग करते हैं। हाँ, जरूर ओपनिंग करते हैं, जो जिसमें पैसे जमा होंगे स्पेशली रखा था इसके लिए। फाइनल के बाद हम लोग डिनर पे चलेंगे। चल सर, जो कुछ हो सके सर, जो कुछ हो सके। 500 बट ये दो नोट है। वाह वाह मीन भाई, मैंने कहा 1000 का कंट्रीब्यूशन पहले बता चलो, ये नोट इन लोगों को पहले से प्रोवाइड कर दिए गए थे। वो अभी जो मेमन साहब दे रहे थे, शुक्र है दिल नहीं घट गया। बहुत ज्यादा गलत इमाद, आप तो पाउंड डाल दें, लेकिन आप कह रहे थे शो का आज का हो गया, ये भी ले रहे हैं। थैंक यू खातिन हजरात, पहले ही दिन इसके अंदर ₹4000 मौजूद हैं, मेरी नियत चेंज हो रही है। कल ये पैसे देख के तो सबकी हो जाती। कल दो मैच हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। जल्दी जल्दी प्रेडिक्शंस लूंगा, अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड विनर, इंग्लैंड इंग्लैंड टू विन, आके भाई इंग्लैंड टू विन, मुइन भाई इंग्लैंड फेवरेट है, रेट जो खुलेगा तो उसके हिसाब से मैं अपना बताऊंगा। ओके, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड। भाई ये सब नोट कर लो अपना, पीछे जो भी इतने सारी टीम बैठी हुई नोट कर लो इन सबके, मेरे पास का पेन नहीं है। तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, मैं अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है मुइन भाई, ऐसे भी न्यूजीलैंड को और इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ। सही, खवातीन हज़रात वक्त आ चुका है क्या? हाँ, वक्त हो चुका है, वक्त हो चुका है, इमाद भाई सब
पूरे जो भी लोग ये शो देख रहे हैं सबके लिए इमाद के लिए दुआ करें मैं भी ऐसे नहीं खेल रहा था तो अजी रोजराज ये था आज का जश्न क्रिकेट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, कल एक बार फिर मौजूद होंगे क्योंकि परसों जो है बड़ा दिन है भाई, बड़ा दिन है, तो इंतजार करिएगा कल के शो का। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।